चले यार, हम लोग पीलिंग में फाइनली आ चुके हैं। अब हम थोड़ा पीलिंग को एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं स्काई वॉक। स्काई वॉक बहुत ज़्यादा फेमस है पीलिंग का, तो सबसे पहले स्काई वॉक देखने जा रहे हैं, उसके बाद और चीज़ें देखते हैं। बाकी यार जो अपना स्टे है ना यार, अमेजिंग स्टे है भाई, पूरे नेचर की उसमें, थोड़ा आराम से बढ़िया। थोड़ा सा जो अपना स्टे है थोड़ा ऊपर जाके है, बस ये इसका थोड़ा बेड वो है, बाकी तो एवरीथिंग इज फाइन। थोड़ा सा शॉर्ट हाइक करके जाना पड़ता है। चलो भाई फाइनली नीचे आ गए अपन। बहुत रिस्की था यार वो, अब नहीं चढ़ूंगा मैं, नीचे बैक खड़ी कर दूंगा। तो चलो यार पीलिंग में मजा है भाई। पीलिंग से कंचनजंगा बिल्कुल पास में, मतलब हम लोग जब दार्जिलिंग में थे, दार्जिलिंग से काफी व्यू पॉइंट पे गए हम लोग कंचनजंगा ऊपर से देखने, गैंगटॉक में थे तो गैंगटॉक में भी गए हम लोग देखने, पर पीलिंग से तो बिल्कुल पास आ गए अपन यार। और जो होम स्टे है वो तो भाई पूरे जंगल से में है और बहुत सुंदर बना रखा है इन लोगों ने, अमेजिंग यार, यहाँ तो रहने में मजा ही आ जाएगा भाई। तो अपन फटाफट करते हैं भाई पीलिंग में, तीन चार जगह जो भी हो पाती है देख के, देन 5:30 तक वापस आते हैं यहीं पे। चलो यार मेन मार्केट में मतलब ऑलमोस्ट हम आ ही गए हैं। यहाँ पे जो एक टर्न होगा चिराया, वहां से हमें ऊपर की तरफ जाना है। अभी हम लोग इसी वाले रास्ते से आए थे। अरे निकलने दो भैया, निकलने तो दो। पे जादू है मेरा, ना खबर। होटल्स वगैरह तो बहुत सारे बन रखे हैं यार यहाँ पे, और भाई साहब एक से बेहतरीन, एक से बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होटल है भाई। और बस ये हम लोग आ गए चौराहे पे। खबर यहीं से पूछना पड़ेगा किसी से। पीलिंग यार पूछना पड़ेगा भैया। स्काई वॉक ये वाला सीधा सीधा। ओके थैंक्स। फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलिए केवल। देखें भाई स्काई वॉक देखा नहीं अपन ने कभी, एक वियतनाम में भी है स्काई वॉक मैंने सुना है काफी। ओ भाई मुझे लग रहा है इसके लिए बहुत ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, बहुत यह आ ही गया क्या अपन के पास में, ये लग रहा है स्काई वॉक के, ये तो नहीं लग रहा। मैम स्काई वॉक सीधा। ये कितने अच्छे प्रेयर, यू नो प्रेयर फ्लैग लग रखे हैं।
भाई अपनी गाड़ी से ये सही रहता है, निकल जाओ सीधे पार, जहाँ हो जितने में जाओ फटाफट। पैराग्लाइडिंग होती है वो यहाँ पे भाई। पहुंच गए अपन स्काई वॉक पे, इधर ही खड़ी करते हैं, आगे कर देता है। अभी यहाँ पे भी एक स्टैचू बना हुआ है बुद्धा का, नहोश ना खबर दिल पे जादू है मेरा। कहीं पार किया एंट्री कहाँ से, यहीं से है क्या? एंट्री टिकट काउंटर रिसेप्शन। चलो भाई टिकट विकेट लें एंड देन ऊपर पहुंचते हैं। चलो भाई लोग टिकट ले लिया, 100 रुपये का कुछ टिकट है स्काई वॉक का। चलते हैं ऊपर की तरफ। होश ना खबर ये दिल पे जादू है मेरा। बढ़िया भाई, कैसे बना रखा है लोगों ने इतना ऊपर। आ गए अपन स्काई वॉक। ओ भाई सही बना रखा है इन लोगों ने। ऐसे वियतनाम में भी है, वियतनाम में लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ इन्होंने मतलब जमीन के ऊपर ही वैसे बना दिया है। बढ़िया यार, और यहां से अपना कंचनजंगा। बढ़िया, और ये बुद्धा का स्टैचू, चलो वो भी देखने चलते हैं ऊपर। चलो भाई यार ये स्काई वॉक के पास में भी एक बहुत बड़े बुद्धा जी की स्टैचू है, और अभी हम लोग उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। और बहुत सारी स्टेयर्स हैं भाई, ये भी बहुत बड़े हैं भाई साहब। ओहो बहुत बड़े हैं भाई ये। चलो थोड़ा पास चलता है। चलो भाई हम लोग अभी हम लोगों ने स्काई वॉक देख लिया है। स्काई वॉक के बाद
अभी बेसिकली जो चीज़ है एक्चुअली स्काई वॉक में मतलब ऊपर ही चढ़ गई, वो मोनेस्ट्री है, उसका नाम है ऐसे कुछ नाम करके। तो आपकी दो चीज़ यहाँ कवर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम रूम्स से रूम्स पे जा रहे हैं, आई थिंक वो एक ओल्ड काइंड ऑफ फोर्ट है। और भाई साहब जो कौन सी मशीन है भाई, और भैया 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 रूम्स रियोन्स, हाँ ओल्ड काइंड ऑफ फोर्ड है, मतलब वहाँ पे कुछ पत्थर से रखे हुए हैं, तीन पत्थर हैं, तो वो अपने पास में भी है, तो अपन अभी वो ही देखने चलता है। यार ये वाली चीज़ भी मैंने देखी थी, ये पता सबसे टॉप पे उस पर ये फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, ये भी एक यहाँ पे टूरिस्ट मतलब एक वो था देखने लायक चीज़, मतलब हिल पे सबसे टॉप पे बनाए भाई। रूम्स रूम्स तो अपने को नहीं मिला, वो शायद मेन गेट तो उसका बंद था, तो हम आ गए मोनेस्ट्री देखने। मोनेस्ट्री में 20 रुपये चार्ज है और 20 रुपये भैया ने पार्किंग के ले लिए। चढ़ जा ऊपर तक, चढ़ जा भाई, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। पार्किंग कितने, पार्किंग कितने, हजार हजार छोड़े, नो पार्किंग एरिया। ये भाई मोनेस्ट्री, नहोश ना खबर, दिल पे जादू है मेरा। तो चलो भाई, पीलिंग में हमने ये मोनेस्ट्री और देख ली, यहाँ पे अंदर से काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसमें म्यूजियम भी अंदर पुरानी काफ़ी चीज़ें रखी हुई है। और इसी के साथ बस यार अब पीलिंग में और कुछ नहीं घूमते, रूम तो रूम्स तो अपन नहीं घूम पाए, बिकॉज वो पता नहीं कहाँ ही था, वो कुछ भैया बोल रहे थे कि बहुत आधा घंटा या पता नहीं कितनी दूर पैदल वॉकिंग करके जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा छोड़ो यार क्या ही करना है, वो खंडर काइंड ऑफ है। चलो हमने मोनेस्ट्री घूम लिए, अब चलते हैं भाई अपने होम स्टे पे, आराम से बैठेंगे वहीं, पूरा रिलैक्स करेंगे आज, और कल हम लोग निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। मोनेस्ट्रीज में एक पता नहीं एक अंदर एक पीस होता है यार, एक अलग ही, ये तो मैंने नोटिस किया है। मतलब मोनेस्ट्री चले जाओ, टेंपल चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, मतलब जो भी रिलीजियस चीज है ना, सब में अलग ही एक वो है, पीस मिलता है। नहोश ना खबर, ये दिल पे जादू है मेरा। चलो भाई फिर अपना इस तरफ का पार्ट हो गया सिक्किम का भी। ये रहा भाई साढ़ा जीओस।